नमस्कार, मैं फिर आप सबके सामने उपस्थित हो गई हूँ। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, चुनाव बहुत सारे प्यार। आज चुनके पाँच दिन हमारे जन्मदिन स्पेशल है, उन सबके लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आई होप आप लोगों ने हमारा जो घूमने का ब्लॉग है वो देखा है और आप लोगों को अच्छा लगा। एक्चुअली मेरे लिए ना ये बहुत अच्छा एक प्लान था। मतलब मेरे फ्रेंड्स ने जो सोचा है कि मेरा ये हाल है, मैं इतना दुखी हूँ, कुछ इस तरह के जो उन लोगों ने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया, सच में मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा है। मतलब मैं एकदम प्योर ऑक्सीजन लेके आई ऐसा लग रहा है। बट डेफिनेटली वो लोग भी बॉम्बे गए हैं मेरे फ्रेंड्स, दे नो रीनी वेरी वेल। तो रीनी के बारे में तो हम बहुत बात कर रहे थे, बहुत, बट फिर भी सबके साथ रहना, बातें करना, तो थोड़ा सा अच्छा समय बीतता है। पर अभी आप देख के समझ गए कि मैं घर पर आ गई हूँ। अकेले रहना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो आज मतलब मेरी मामी जी आ रही है मुझसे मिलने, तो अच्छा है कि कोई आए, फिर उनसे बातें करो तो अच्छा लग रहा है। तो चलिए मैं आप लोगों से शेयर करूँगी तो पूरा दिन हम किस तरह से बिताते हैं। चलिए देखिए, मेरी मामी जी आई है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली अकेले रहने में बहुत तकलीफ़ हो रहा है, रीनी के यादें बार बार आ रहे हैं, पर वैसे भी बात हो रहा है। एनीवे मामा कैसे हो? अच्छा है। ओके, आई होप आप लोगों ने तो पहले भी देखा है मामा को। आने में तकलीफ नहीं हुई ना कुछ? नहीं, आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना? ओके। और रीनी को देखा ना आपने बॉम्बे में? हाँ, बहुत सुंदर है। हाँ, माइमा बार बार वही बोल रही थी कि उसका जो कोट है इतना ग्लेजी है, एंड तक इतना ग्लेज था। एक्चुअली हम लोग तो इतना प्यार से रखते थे रीनी को भी, और जिनू को भी रखते ही है हम लोग। एनीवे चलो अभी थोड़ा चाय वाय बनाते हैं, फिर बात करते हैं। ओके चलो। देखिए अभी मैं और मामी जी लंच के लिए बैठ गए। मैं आप लोग से थोड़ा सा बता देती हूँ, ये चावल है, ये ना आलू करेला और प्याज फ्राइड है जो मामी जी ने अभी यहाँ बनाए मेरे घर पे। और ये दो अलग अलग मिक्स्ड वेज है, दोनों मिक्स्ड वेज है पर दोनों का टेस्ट अलग है। दोनों में यूज्ड हुआ जो सब्जी है वो अलग है, दोनों ही बहुत टेस्टी होता है। एंड दिस इज़ मसूर दाल जो एक्चुअली हम लोग उबाल के बनाते हैं, इसमें कुछ है नहीं, मतलब फ्राइड कुछ नहीं, जस्ट उबला, उसमें मस्टर्ड ऑयल, प्याज और हरी मिर्च, बहुत टेस्टी होता है, ये बनाएं। और ये अंडा भुर्जी जो मामी जी अभी बनाएं। एंड दिस इज़ मैंगो चटनी मीठा, ये भी एक्चुअली मामी जी बना के लाए। जब भी मैं आती हूँ ना तो उनको पता है मुझे ये सब वेज सब्जी जो एक्चुअली मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती थी, तो इसलिए मामी हमेशा मेरे लिए बना के लाती है और मैं बहुत इन्जॉय करके खाती हूँ। क्योंकि मैं अकेली जब रहती हूँ मैं तो जस्ट उबला हुआ कुछ भी सिंपल खा लेती हूँ। एंड यू नो दिस लाइम जो नींबू है ना, ये भी बहुत स्पेशल है, इसको कहते हैं गोंधोराज लेबू। मतलब ये नींबू का ना फ्लेवर ही अलग है, बहुत अलग फ्लेवर है और बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो चलिए अभी हम लोग खा लेते हैं। देखिए इस बार ना मैंने दिन में दो बार दिखाई, पर शाम को मैं एक बार भी नहीं दिखा पाई आप लोगों को। एक्चुअली सामने ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब कैमरे से अगर कंपेयर करेंगे ना तो उतना अच्छा इसमें नहीं लगता है, पर फिर भी मैंने सोचा थोड़ा आपसे शेयर करती हूँ। ऐसे ना खड़े होके भी बहुत टाइम बीत जाता है, इतना अच्छा लगता है। देखिए मेरा बिल्डिंग से एकदम नज़दीक ना बहुत अच्छा ये काली मंदिर है, बहुत छोटा है पर बहुत अच्छा लगता है। हर बार मैं आके एक बार दर्शन करने जाती हूँ। तो आज एक्चुअली ऐसा हुआ कि मामी को छोड़ने नीचे जाना ही था, तो मैंने बोला चलो एक बार मंदिर भी होके आते हैं।
तो हम मंदिर दर्शन करके फिर मैं मामी जी को ले जाऊंगी और फिर मतलब बस के लिए जहाँ बस स्टॉप है वहाँ पर छोड़ दूँगी। और ये मंदिर पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है। मैंने जब अपना ये फ्लैट खरीदी थी ना तब भी मैं ये मंदिर में पूजा करके अपना गृह प्रवेश की थी। देखिए ये हमारे ना फ्लैट के एकदम सामने भाभी का चौप का दुकान है, तो मैं जब भी आती हूँ यहाँ आ जाती हूँ और चौप लेके जाती हूँ। पर पिछले दो साल मैं खुद भी नहीं आ पाई। खाने के कैसे मजा लगता है? अरे बहुत बहुत, क्योंकि बॉम्बे में ऐसे मिलता भी नहीं है और बात ही क्या है। देखिए किस तरह से बना रहे हैं, आलू का मसाला इधर रेडी है। एंड मोदी थोड़ा बोलो मेरे अरे एक साल बिल्कुल बंद था आपका दुकान? एक साल का बंद है। ओहो, तो बहुत तकलीफ भी हुआ होगा ना? बहुत मैंने कष्ट किया, ये तो बदम नहीं है। राइट, ये मुश्किल तो है ही, पर फिर भी आप ऐसे हंस के बात कर रहे हो तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली मुश्किल कैसे भी हो हमको काम तो करना है, आगे बढ़ना है ना, तो भरना है ना। एक्चुअली नहीं भरेगा तो कैसे चलेगा। आज मैं भी बहुत खुश हो गई, जैसे मैंने देखा भाभी का दुकान खुला है, चलो बहुत दिन चौपेट दुकान। यस यस, ओके चलिए मैं घर लेके जाती हूँ और चाय और मुरमुरा के साथ ये खाऊंगी। यस अच्छा मामा, कब जा रहे हो? ठीक है, संभाल के जाना। ओके, पहुंच के कॉल कर देना मुझे। देखिए मैं मामी जी को छोड़ने आई, तो मैं यहाँ से एक बार बाहर से मैं मेरा बिल्डिंग दिखा रही हूँ। सामने देखिए मेट्रो रेल का स्टेशन भी काम चालू है, अभी तक हुआ नहीं है। अच्छा अब भी मैं ना मेरे मामी जी को, हम लोग माइमा बुलाते हैं, माइमा को बाय करके मतलब भी उनको मैं अपने घर गई तो मैं उनको बस पे चढ़ा के आ गई। अच्छा यहाँ का एक ऐसा लगा, मुझे बस स्टॉप नहीं दिखा। मुझे मैं पूछूँ बस स्टॉप कहाँ है, यहाँ कैसे खड़े है? तो एक लड़का खड़ा था, मैंने पूछा, बोलता हाँ हाँ आप खड़े हो जाइए, हाथ दिखाएंगे बस रुक जाएगा चले जाइए। ये है स्पेशलिटी कलकत्ता का। खैर तो हम वहीं खड़े हो गए, बस आ गए, जैसे मामी ने हाथ दिखाया तो बस भी रुक गए। एनीवे तो मामा चली गई। मेरा क्या हो रहा है ना, जैसे मैं आप लोगों को ब्लॉग में दिखाई, मैं फ्रेंड्स के साथ गई घूमने, फिर मामी जी आई है, तो आज का भी छोटा छोटा ऐसे पूरा दिन थोड़ा सा मैंने दिखाया आप लोगों से। तब ना उतना नहीं हो रहा है क्योंकि मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ। डेफिनेटली बातों में रीनी का नाम, रीनी का बात तो हो ही रहा है, पर जब मैं बिल्कुल अकेली हो रही हूँ तब बहुत मुश्किल हो रहा है। एनीवे अभी मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ क्योंकि यहाँ ना बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए मैं कोशिश करूँगी बहुत जल्द आप लोगों से मिलने के लिए। आप लोग सब बहुत अच्छे रहिए, बहुत खुश रहिए। आज इतना ही, नमस्कार।